सर 17 का बीएड एंट्रेंस टेस्ट पंजाब का है, मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाट शुड कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। इंडक्टिव रीजनिंग की एग्जांपल है। इंडक्टिव रीजनिंग होती है जब आप एक एग्जांपल, दूसरी पर्टिकुलर एग्जांपल, तीसरी पर्टिकुलर एग्जांपल, उससे जनरल पैटर्न या रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। हम इसका रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए पहले को दूसरे से कंपेयर करेंगे और डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। ये है प्लस थ्री, दो में से प्लस थ्री फाइव हो गए, और ये पांच में दस, पांच दस में प्लस सेवन, सेवनटीन में प्लस नाइन, और 26 में प्लस ये 11। इट मीन्स रूल क्या मिल रहा है, रूल में ये मिला कि प्लस टू 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 बढ़ रहे हैं, ठीक, और इसमें प्लस टू बढ़ दिए, बढ़ा दिए और प्लस 13 हो गए। 13 को इनमें से प्लस प्लस किया तो कितने आए, ये मिलके बन गए 10, 0, और ये मिलके बन गए 4, 1, 5, 50। तो 50 इसमें है तो राइट आंसर है, यस दिस इज राइट आंसर। व्हाट शुड कम नेक्स्ट इन फॉलोइंग सीरीज। अब बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, नेचुरली है, पेपर सेटर सेम होता है, उनका माइंड सेट जो होता है डाइवर्जेंट होता है, हमें भी डाइवर्जेंट माइंड बनाना है। डाइवर्जेंट मीन कि पहले से कुछ डिफरेंट सोचना है। जनरली हम क्या करेंगे कि जो पिछला सोल्यूशन था क्या था कि इसमें ये प्लस करके देखते हैं कितने बनते हैं, ये प्लस थ्री, अच्छा इसमें प्लस करके देखते हैं प्लस सिक्स, अच्छा इसमें प्लस करके देखे क्या बने प्लस सिक्स, अच्छा इसमें प्लस करके देखे क्या बने प्लस सिक्स, अच्छा ये पैटर्न तो बन नहीं रहा, तीन है फिर प्लस सिक्स 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 है, पैटर्न नहीं मिल रहा, ठीक। तो नेचुरली है कि पहले वाला फार्मूला अप्लाई किया लेकिन वो चला नहीं, दोबारा नेक्स्ट आपको डिफरेंटली सोचना पड़ेगा। वो कैसे सोचेंगे, नहीं मिल रहा कोई माइनस करके भी देख सकते हैं, इधर को नहीं इधर जा सकते क्योंकि तो इधर को ये दिए गए हैं कि नेक्स्ट वाला ढूंढना है, तो नेचुरली है इधर को इधर से ढूंढने की कोशिश की जाएगी कि सीरीज बनती है। तो ये मेरे ध्यान में आया है कि पांच को कहीं भी डिवाइड नहीं किया जा सकता, किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं किया जा सकता, इलेवन को भी नहीं किया जा सकता, दो टू को भी नहीं किया जा सकता, अच्छा 70 को भी नहीं किया जा सकता, 23 को भी नहीं किया जा सकता। इट मीन्स जिनको किसी और संख्या से डिवाइड नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ओके, तो प्राइम नंबर है, देखते हैं कि प्राइम नंबर रेगुलर सीरीज चल रही है, दो दो के बाद तीन, तीन भी ऐसी संख्या है जिसको किसी से डिवाइड नहीं किया जा सकता, चार उसको किया जा सकता है, चार मीन दो गुना दो किए जा सकते हैं, ठीक। तो इसका मतलब है आगे पांच आ गया, इट मीन्स पहले प्राइम नंबर और दूसरे प्राइम नंबर में एक और प्राइम नंबर आना चाहिए, शायद ये पैटर्न हो जा सीरीज हो। अच्छा इसके बाद आ गया सिक्स, सिक्स को कर सकते हैं, सिक्स को थ्री से कर सकते हैं ना डिवाइड, सॉरी तीन गुना दो सिक्स हो सकता है, सेवन सेवन नहीं हो सकता किसी पर, सेवन यहां लिखेंगे, एट हो सकता है चार गुना दो, नाइन तीन गुना तीन, दस पांच गुना दो, इसके बाद आ गया ग्यारह, ये प्राइम नंबर। इट मीन्स यहां भी ये आ रहा है, ये यहां तक स्पष्ट हो गया कि प्राइम नंबर की सीरीज है और उसमें से एक प्राइम नंबर मिस किया हुआ है। तो यहां पर 23 में आप देखेंगे, ये आप सभी देख सकते हो कि इसमें 11 के बाद 12, 13, 13 आएगा, 17 आ गया, 18, 19, 19 आएगा, 20 भी हो रहा है, 21 भी हो रहा है, 22 भी हो रहा है, 23 नहीं हो रहा, अब 23 के बाद 24 हो रहा है ना, 25 हो रहा है, 26 हो रहा है 13 गुना दो, 27 नौ के 28 हो रहा है, 29 ये, और इसके बाद नेक्स्ट वाली जो आएगी प्राइम नंबर वो होगी संख्या हमारा राइट आंसर। उसके बाद 30 किया जा सकता है, 31 नहीं किया जा सकता, तो 31 इज द राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू रिप्लेस स्टार मार्क, स्टार मार्क कहाँ है यहां पर। तो अब ये देखना है कि पैटर्न या रिलेशनशिप, आप पहले हॉरिजॉन्टल इस तरफ देख सकते हो, जैसे एक जमा दो किए हाँ तीन बन रहा है, छह जमा चार किए दस बनना चाहिए, ये पांच बन रहा है, ये नहीं बनेगा।
अच्छा इसको इसमें से माइनस करके ए आ रहा है एक, इसको इसमें से माइनस करके यहाँ एक आना चाहिए छह है, नहीं ये भी नहीं बन रहा। इट मीन्स हमने ये दो ट्राई की, ये नहीं बना, तो नेक्स्ट ट्राई करनी पड़ेगी। वो क्या है कि डाउनवर्ड कर सकते हैं, ठीक डाउनवर्ड में क्या कर सकते हैं, डाउनवर्ड प्लस करके देख सकते हैं आप, किसी को किसी से माइनस करके देख सकते हैं, दूसरी को इससे माइनस करके देख सकते हैं, ये तो नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि किसको किससे माइनस करके तीन आ रहा है, नहीं बात बन रही है ना, इसको इससे माइनस करके नहीं बन रही बात, तो इसको जमा करके देख लेते हैं। जमा करने के लिए इजी मेथड, यही प्रैक्टिस यही स्ट्रेटेजी सीखनी होती है। अब मैं मेरा जो तरीका है वो क्या है, ये तीन वो संख्या को पहले उठा लो जो 10 के करीब 20 के करीब ऐसे बनती है, राउंड फिगर बन रही है। फॉर एग्जांपल मैंने जमा करनी है, ये बन गया 10 15 और 6 21, ये 21 हो गया इनका जो, ओके ये 8 16 जमा 4 बन रहा है, इजी हो रहा है ना, मैंने वो उठाई, ये हो गया 22। अब ये है 9 को मैं इससे नहीं कर रहा हूँ, 9 को इससे कर रहा हूँ जमा, इससे करने से क्या होगा मेरे 10 मिल गए, 10 में से मैं 6 जमा कर रहा हूँ तो 16 जल्दी बन गए। अब 16 में मैं ऐसा क्या करूँ कोई 20 21 22 और 23 बन जाए, है ना, 16 में कितने जमा करूँ, 16 में मैं मतलब 23 में से 16 भी निकाल सकता हूँ या जमा करके देख सकता हूँ, 16 17 18 19 20 21 22 23, 7 जमा करके मेरे बन रहे हैं 23। ये पैटर्न मिल रहा है 21 22 23 और 7 यहाँ पर लाएंगे तो ये हो जाएगा, 7 यहाँ आंसर है डी का, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है विच सेट इज ऑड वन इन द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। अब इतने बड़े नंबर्स हैं, घबराना नहीं है, जनरली ये यही होता है कि किसी को किसी में माइनस या प्लस करके देख। अब ये मैंने करके देखा 3 जमा 4 6 बन रहे हैं, नहीं बन रहे, 3 6 जमा 3 कोई 9 बन रहे हैं, नहीं बन रहे, 3 जमा 3 6 बन रहे हैं, पहली और लास्ट को जमा करके ये वाला, पहली और लास्ट को जमा करके सेकंड लास्ट वाला बन रहा है, हाँ 1 जमा 5 6 बन रहे हैं, अच्छा 2 जमा 3 5 बन रहे हैं, बिल्कुल ठीक है ये वाला बन रहा है, ओके 1 जमा 5 ये बन रहा है। इट मीन्स ये देखिए कि ये बिना उसके चल रहा है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसमें पहली और लास्ट को प्लस करके जो बन रही है सेकंड लास्ट, इनके मीनिंग है, ठीक। नेक्स्ट है 2 जमा 1, 2 को किया 1 है 3 बन गए, नहीं बने 3, ये ऑड हो सकती है, ठीक है 4 जमा 2 6 बन गए, 4 जमा 5 9 बन गए, 2 जमा 3 5 बन गए, तो ऑड कौन सी हुई 2 4 5 1, 2 4 5 1 कहां है, 2 4 5 1 बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है विच सेट ऑफ नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस आंसर कुड बी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेट, ये जो बन रहा है इनमें से कौन सा सेट इसका हो सकता है, वही है कि इसमें कोई रिलेशनशिप है जिसके बेस पर इनमें से कोई एक आए, तो इसको क्या करके देखें, पहले ये करके देख रहे हैं कि 60 60 61 जहाँ 1 7 13 17 19 ये कैसे है, हो सकता है कि ये ऑड जो प्राइम नंबर है वही हो, तो इसको और कैसे देख सकते हैं, अगर प्राइम नंबर ही देखना है क्योंकि 1 7 13 पर लिख रहे, हो सकता है सभी को देखना हो इसलिए सबको डिवाइड करना होगा, उसके लिए आसान तरीका मैं क्या देख रहा हूँ, क्या ये सीरीज प्राइम नंबर की तो नहीं है, मैं ये देखूंगा कि इनमें प्राइम नंबर कोई है, अगर है तो उसमें फिट हो सकता है। पहले देखने लगा हूँ कि 621 डिवाइड हो रहा है, मैंने 3 पर इसको डिवाइड करके देखने लगा हूँ कितने आते हैं, सिंपल सी बात है 3 ये आ गया 0 21 6, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट मीन्स ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 207 गुना 3 ये डिवाइड हो रहा है, अच्छा 627 को भी करके देखते हैं, यहाँ पर रख लिया 627 3 दूनी 6 ओके, तो नीचे कर लिया 27 फिर सॉरी 27 यहाँ आ गए, यहाँ 0 लगा गया 9 दिया 27 9 यहाँ आ गए, तो ये भी हो रहा है 209 गुना 3 से ये बन रहे हैं, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, अब ये देखते हैं ये प्राइम नंबर है
600 ये हो गया, तीन पर देखें, तीन पर ये अगर ये गया है तीन पर 21 22 23 ये नहीं जाएगा क्योंकि 24 वाला जाएगा। तो उसके बाद मैंने देखा 7 पर देख रहा हूँ, 7 तो 8 56 8 ये हो गए 56 56 में से कितने बचे मेरे पास 4 63 यहाँ पर आ गए, इसको 3 को ले लिया। अब 9 7 3 यहाँ पर 89 को 7 से गुना करें तो ये बन रहा है, ये भी डिवाइडेबल है। अब ये रहेगी, ये देखा है हमने, ये देखा है, ये रहता है 633 रहता है कि ये तो नहीं है। 633 को डिवाइड करके देखते हैं, तीन पर करके देख लेते हैं, 631 को करना इजी है तीन पर, क्योंकि ये जो है अगर 27 पर 209 है 210 से 230 बनेगा, ये 31 नहीं बन रहा, ये नहीं डिवाइड हो, मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर है क्योंकि ये किसी पर डिवाइड नहीं हो रहा, ये सीरीज ना डिवाइड होने वाली है। इन ये जो 631 है ये आपस में किसी में मैच नहीं कर रहा, राइट आंसर हम लगाएंगे डी को। आर ऐसे क्वेश्चन को आप वहीं लिख लीजिए, ये क्वेश्चन है इफ आर इज डोनेटेड एज मल्टीप्लाई, आर कहाँ है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, ए डोनेटेड बाय सब्सट्रैक्शन, ए कहाँ है ये लगा दिया सब्सट्रैक्शन का, और एन इज डोनेटेड बाय एडेड ये कर दिया प्लस का, और बी इज डोनेटेड बाय बी डोनेटेड डिवाइडेड, बी कहाँ है ये रहा तकसीम, मैंने फॉर्मूला वो बॉर्ड मास का अप्लाई किया ना, ब्रैकेट ओपन नहीं है, पहले डिवाइड कर लिया, डिवाइड कैसे किया इसको इसके साथ, तो आ गया 7 × 4 = 28 चार आ गया। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन 4 × 2 ये आ गए 8, 8 है 8 में 4 प्लस कर दिए ये आ गए 12, 6 को 12 से कर दिया सब्सट्रैक्ट माइनस, तो बाकी बचे 6 आंसर है इसमें, यस यस बी इज राइट आंसर है। इफ डॉग डी ओ जी इज कोडेड एट जी ओ डी, के एल एम इज कोडेड एट एन एल के, इसको दोबारा लिखना है तो आप लिख सकते हो अगर कंफ्यूज नहीं हो रहे, ये मैंने लिख लिया डी ओ जी, ये हो गया जी ओ डी, ओके अगर नहीं कंफ्यूज हो यहां भी चल सकता है एल के एन। अब इसमें ऐसे लिख के क्लियर मुझे मिल रहा है, वहां दिखाई नहीं दे रहा था, अब जो ये देखिए कि मिडल वाला सेम रह रहा है, सॉरी मिडल वाला यहाँ मिडल वाला वही रह रहा है, एल यहाँ एल रह रहा है, ई यहाँ ई रह रहा है, ठीक। और दूसरा क्या दिखाई दे रहा है इसमें कि जो जो फर्स्ट वाला है वो उसका लास्ट वाला बन रहा है, जो इसका फर्स्ट वाला है वो इसका लास्ट वाला बन रहा है, जो इसका फर्स्ट वाला है वो इसका लास्ट वाला बन रहा है, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको अप्लाई करने से ये हम आंसर में देख लें कि इसको अप्लाई करने से आंसर मिल रहा है, अच्छा सेंटर में ये बी यू वाई है, सेंटर में यू आना चाहिए, सेंटर में यू है, सेंटर में यू है, सेंटर में यू है, सेंटर में यू है, सेंटर वाला गाइड नहीं कर रहा, ये जो बी है वो नेक्स्ट इसके कोड में बी लास्ट में आ जाएगा, बी लास्ट में आएगा, यू सेंटर में आएगा, बी लास्ट में यहाँ नहीं है, ये तो रॉन्ग आंसर नहीं हो रहा, डिलीट हो गया, ठीक है बी लेकिन यहाँ है, लेकिन यहाँ भी है, यहाँ भी है, इन तीनों में से राइट आंसर ढूंढना है, दैट इज वाई हमें पहले अक्षर का भी जो कोडिंग है रिलेशनशिप है वो ढूंढना होगा, वो क्या हो सकता है। अब इस टेबल की सहायता लेंगे ये ढूंढने के लिए जो पहले वाला जो कोड है उसका रिलेशन ये पहले वाले से देखना है, ठीक। उसके लिए हमने यह डी है और जी है, डी को मैंने सर्कल किया और जी को किया और देखा कि इनमें डिफरेंस कितना है, 4 यहाँ है 5 6 7 तीन का डिफरेंस है, प्लस 3 हो रहे हैं पहले में, प्लस 3 हो रहे हैं पहले, ओके। अब यहाँ के है और इसका जो नेक्स्ट क्या है पहले वाला एन है, ये मैंने लगाया के को और ये लगाया एन को, कितने हो रहे हैं 1 2 3 ये 3 प्लस हो रहे हैं अभी, मिनट मेथड में मिल गया फॉर्मूला, और ये यहाँ पर क्यू है यहाँ पर सॉरी ये पर सॉरी 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 एन है, एन का क्यू के साथ क्या संबंध है, एन का क्यू के साथ ये भी 3 बन रहे हैं, इट मींस जो पहला अक्षर है यहाँ बी होगा इसमें प्लस 3 कर दीजिए, तो वो क्या हो गए बी सी डी ई, यहाँ पर पहला ई आना चाहिए, यहाँ एफ है गलत, यहाँ वाई है गलत,
यहाँ ई है, बिल्कुल ठीक, यू है, बी है, डी इज द राइट आंसर. इवन द कोड सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है, व्हाट कुड बी द पार्ट ऑफ सीरीज. ओके, सबसे पहले ये मैं देख रहा हूँ, ए है, यू है, ओ है, आई है, सारे वॉवल्स है, सीरीज में वॉवल्स आई है, इसमें सभी में वॉवल है, यहाँ वॉवल है, यहाँ नहीं है, यहाँ वॉवल है, यहाँ नहीं है, इट मीन्स इनमें दोनों में से राइट आंसर होगा. ठीक, अब देखते हैं ये क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, आठ का, ओके, 64, 10 का, 100 और 11 का स्क्वायर, और ये हो गया 256 भी किसी का स्क्वायर होगा, ये कितने का होगा ये नहीं पता चल रहा. यहाँ तक इतने में से मुझे मिल गया कि ये है, ये मैं कैलकुलेशन के लिए छोड़ रहा हूँ कि क्या, क्योंकि ये तीन में कंटिन्यूशन मिल गई है तो हो सकता है कि इनमें हो, ये मैं पहले रिजेक्ट कर चुका हूँ, और इनमें से देखना है कि कोई स्क्वायर है, ये सात का स्क्वायर है, तो मैं राइट आंसर इसको चुन रहा हूँ, राइट आंसर. नेक्स्ट है इंट्रोड्यूसिंग ए गर्ल, ए गर्ल सैड, एक गर्ल है, ये रही गर्ल, और दूसरी गर्ल है, ये रही गर्ल, और शी सेड शी इज द डॉटर ऑफ द मदर ऑफ माय आंट. ये देखिए इनको नीला कर लेते हैं जिनको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, तो पीछे से शुरू करो, ये मेरा फॉर्मूला है माय आंट. ठीक है, ये जो माय आंट है ये इनकी आंट है, ये रही इनकी आंटी, यहाँ पर आ गई, एक जनरेशन ऊपर चले गए, मदर ऑफ माय आंट, ये आंटी जो इनकी थी वो हो गई, आंटी के ऊपर इनकी मदर हो गई, ये यहाँ तो आगे है मदर ऑफ माय आंट, मदर ऑफ माय आंट उसकी मदर. नेक्स्ट है कि पीछे जाना है डॉटर ऑफ डॉटर, मतलब मदर है, मदर से आइए आप डॉटर पर, इसकी डॉटर, ये रही डॉटर, तो मदर की डॉटर तो वो खुद ही होगी ना, ये यहाँ पर वो खुद ही होगी, ये सेम है, और उसकी डॉटर, और उसकी डॉटर ये हो गई, ये वाली ये इनकी है ना डॉटर, क्योंकि ये कौन है आंटी, आंटी की बेटी जो हुई वो क्या हुई, कजन हुई, राइट आंसर इज ए कजन. दूसरा ये ध्यान रखना है कि जब आंटी और मदर दो जनरेशन ऊपर गए हैं, दो जनरेशन नीचे आ गए, डॉटर एंड डॉटर, इट मीन्स जो आंसर होगा वो बराबर वाले का होगा, बराबर वाला कजन है, ठीक है, नीच है आंटी, बराबर वाला नहीं है, ठीक है, ऊपर नीचे वाला है, सिस्टर इन लॉ बराबर वाला है, मदर डॉटर ये भी नहीं आता, तो डायरेक्ट सिंपली आपने ऊपर नीचे जाके जनरेशन गैप को देखना है, देखना बराबर वाला है या ऊपर नीचे वाला रिश्ता है, अगर बराबर वाला है यहाँ ऊपर नीचे वाले दिए गए हैं, ऊपर नीचे वाले को इनको इनको डिलीट कर दो, इनको डिलीट कर दो, इनको डिलीट कर दो, ये कजन और सिस्टर ला बच रहे हैं, इनमें से आप देख सकते हो डायरेक्टली मिल रहा है कजन. क्वेश्चन भी रिलेशनशिप का है, शेरी इज ब्रदर ऑफ मनिंदर, तीन इंफॉर्मेशन है, आप एस को उठा लीजिए, ब्रदर को उठा लीजिए, मनिंदर को उठा लीजिए. एस क्या है, इज ब्रदर, ब्रदर आ गया, ब्रो ऑफ एम, इसको कलर दूसरा कर लेते हैं, ब्रो को डिफ्रेंसिएशन समझ आ जाएगी. ओके, नेक्स्ट इज मनिंदर इज सिस्टर ऑफ रविंदर, मनिंदर इज सिस्टर, क्या है यहाँ पर रेड लेंगे, क्या है, सिस्टर है किसकी, रविंदर, ये रहा रविंदर, और रविंदर इज फादर ऑफ सिकंदर, यहाँ लिख लिया फा, ओके, कौन, सिकंदर के, ये रहे सिकंदर. ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए पेन का प्रयोग कर रहा हूँ, डिफरेंट आपने वहां ऐसे नहीं करना कि ऐसे ही जरूरी है. ठीक, तो ये फादर ऑफ सिकंदर, हाउ सिकंदर इज प्रिसाइजली रिलेटेड टू शेरी, हाउ सिकंदर इज रिलेटेड टू शेरी, अब साफ दिखाई दे रहा है कि ऊपर नीचे वाला रिलेशनशिप है, बराबर वाले का रिलेशन नहीं है, बराबर वाले यहाँ कौन से है, ब्रदर बराबर है, सिस्टर बराबर है, तो ये दोनों डिलीट हो गए. तो ये देखिए कि शेरी ये जो है इनके फादर है, फादर की सिस्टर है, अपने आप पर अप्लाई करके देख लो, मेरे लिए मैं हूँ और मेरे फादर हैं, फादर की जो है सिस्टर है, सिस्टर का ब्रदर है, उनका भी ब्रदर हुआ ना, तो ये पापा का ब्रदर हुआ ना, पापा का ब्रदर कौन होता है, चाचा जी होते हैं,
नेफ्यू हुए ये इनके, ठीक है भतीजा सा, भतीजा लिखते हैं पता नहीं हिंदी में, नेफ्यू इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू रिप्लेस द स्टार मार्क. आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजिस्ट, लॉजी मीन साइंस, जिस्ट मीन साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी, आर्कियोलॉजिस्ट को स्टडी करने वाला, मतलब यहाँ पर क्या आएगा बर्ड्स को स्टडी करने वाला. ऑप्शन देखते हैं एंथ्रोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये कल्चर की स्टडी करने वाले हैं. तो राइट आंसर मेरे हिसाब से इन दोनों में से एक. तो यहाँ तक जो मेरी नॉलेज थी मैंने बताया, लेकिन आगे मैंने डिक्शनरी का सहारा लिया, आप नहीं ले सकते, आपको इनमें से ही एक चूज करना. अगर आपका कोई तुक्का चलता है कि ये हो सकता है ये हो सकता है, एक्चुअल में राइट आंसर ये है. क्यों? क्योंकि नेट में से दिखाता हूं. आर्निथोलॉजिस्ट, ए पर्सन हु स्टडीज और एन एक्सपर्ट ऑन बर्ड्स. सो राइट आंसर इज डी. इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू रिप्लेस द डैश मार्क. लगता है एक पर्सन ने ही स्टैम्प बनाई है, लगभग एक जैसी आ रही है. तो ये क्या है, मैकॉले दो डॉट्स हैं इज इक्वल टू 1833. तो मैकॉले कैसे मिलेगा, ईयर है. अगर आपको पता हो तो जो इंडिया में कमीशंस एंड कमिटीज ऑन एजुकेशन बैठी हैं, उनमें मैकॉले एजुकेशन सिस्टम जो इंग्लिश पीरियड में था वेरी इंपॉर्टेंट था. तो वो कब, नेचुरली 1833 में. तो वुड्स जो है, इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूं, दैट इज वाई कई मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एजुकेशन की, जनरल अवेयरनेस की ज्यादा जरूरत होती है, जनरल नॉलेज की जरूरत होती है. तो यहां पर ये देखते हैं कि ये लिस्ट है मैंने रखी हुई, लिस्ट ऑफ कमिटीज एंड कमीशन ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस. इसमें जो हमारे साथ रिलेटेड है वो फर्स्ट है चार्ल्स वुड, ये वुड लिखा है ना वहां, चार्ल्स वुड डिस्पैच कब बैठा था, ठीक ईयर, ये आंसर मिल गया ऑन एजुकेशन, ठीक. और मैकॉले भी हमारा आंसर तो मिल गया यहीं पर, इतना काफी है. वैसे ये रहा हमारा राइट आंसर. नेट पर जब मैकॉले एजुकेशन सिस्टम की आप इंफॉर्मेशन देखोगे तो 1835 में उन्होंने मिनट्स ऑफ एजुकेशन प्रेजेंट किए थे, जिसमें उन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को वेस्टर्नाइज करने की कोशिश की थी. उसमें मेन स्टेप क्या था कि इंग्लिश वाज मेड एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर गवर्नमेंट एंड पोस्ट एंड वाज अडॉप्टेड एज ऑफिशियल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऑफिशियल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. ये चेंज थे मैकॉले के रिलेटेड, आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. तो यहाँ पर ये डाउट है कि ये 1833 है वहां पर, यहाँ 35 है. हो सकता है कि क्वेश्चन डालने वाले को गलती, यहाँ मिसप्रिंट हो, यहाँ पर 1835 चाहिए था और वुड का तो ये 1854 ये राइट आंसर हमें मिल गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू रिप्लेस द स्टार मार्क. ये परमानेंट लाइन है इस पेपर में, ये उठाकर डाली हुई. ओके, फाउंडेशन नींव जो होती है, एडिफाइस, एडिफाइस होती है बहुत बढ़िया और सुंदर इमारत. तो अच्छा हिंदी में देख लें अगर इसका, क्योंकि इसका मतलब नहीं पता होगा, जब इसका मीनिंग नहीं पता इट मीन्स वोकैबुलरी वीक हुई, रीजनिंग रुक गई, वहां इंफॉर्मेशन चाहिए हर रीजनिंग के लिए. तो यहां पर भी ये एडिफाइस है, तो इसमें इट मीन्स कि हमें एडिफाइस का मीनिंग पता होना चाहिए. मीनिंग नहीं पता तो नेचुरली है आप गैस वर्क कर रहोगे. यहाँ पर क्योंकि मुझे मीनिंग पता है, एक नीम के ऊपर बहुत अच्छी और प्यारी इमारत है ना, तो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन एक नीम बन गया, उसके ऊपर क्या होगा, कैबिनेट होगी, कभी नहीं. सॉरी बड़ी इमारत है, बड़ी इमारत क्या है, पार्लियामेंट है, नहीं. कॉन्स्टिट्यूशन की नींव पर सिर्फ पार्लियामेंट बेस्ड है, जहां सिर्फ कैबिनेट बेस्ड है, जहां सिर्फ गवर्नमेंट बेस्ड है, लोग कहां गए, तो लोग नेशन से बनते हैं. नेशन में गवर्नमेंट भी शामिल है, पार्लियामेंट भी शामिल है, कैबिनेट भी शामिल है, वो तो इसके अंग ही हो गए, और इसमें पीपल भी शामिल है, बाउंड्री भी शामिल है, आपकी सॉवरेंटी भी शामिल है. तो राइट आंसर डी है, सी है, सॉरी सी है. 76 विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू रिप्लेस द स्टार मार्क. नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो उल्टा हो गया ना, ये तो कोई डिफिकल्ट नहीं है. अब आपको वेग का पता होना चाहिए, ये है नेगेटिव पॉजिटिव. वेग होता है इनडेफिनेट, जो क्लियर ना हो, अनक्लियर और इनडेफिनेट, तो उसका क्या होगा, डेफिनेट, डेफिनेट है.
श्योर तो बनता ही नहीं है ना, फाइनाइट भी नहीं बनता। तो अगर इसका इनडेफिनेट हुआ है ना, तो डेफिनेट इसका हो गया, तो डेफिनेट कहाँ है, ये रहा, ए आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन मैन फादर एंड इंजीनियर। आप करके देखिए, क्या सभी मैन फादर हैं? सभी मैन फादर नहीं है, जिनकी मैरिज नहीं हुई वो नहीं है। इट मीन्स सभी मैन ये बीच में और फादर ऐसे बाहर नहीं आएगा। हाँ, सभी फादर मैन है, सभी फादर मैन है। इट मीन्स यहाँ पर एफ आएगा अंदर और वो सभी मैन है, ये रहा ऑल फादर आर मैन। नेक्स्ट है एंड इंजीनियर। अब ये देखिए कि तो सारे मेल इंजीनियर है, सारे नहीं है, कुछ है। इट मीन्स ये पार्ट कवर होगा, ये वाला पार्ट कवर होगा, ठीक है। पर वो इंजीनियर में कुछ फादर भी है ना, तो इट मीन्स ये दोनों पार्ट कवर हो, ये ऐसे सर्कल हो गया, ये ऐसे सर्कल हो गया, और ये दोनों को थोड़ा टच करता हुआ कौन सा बन रहा है, ए बन रहा है साफ, ठीक। ये हो गए सेंटर में फादर, ये हो गए मैन, और ये हो गए इंजीनियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन इंडियन मैन एंड टूरिस्ट। अब ये देखिए कि क्या सभी इंडियन मैन है, नहीं, फीमेल भी है। क्या सभी मैन इंडियन है, वर्ल्ड के भी है, सारे इंडियन नहीं है, पाकिस्तान के भी है, श्रीलंका के भी है, इंग्लैंड के भी है। इट मीन्स ये वाला नहीं आएगा कि ऑल मैन आर इंडियन, ये भी नहीं आएगा, ऐसे भी नहीं आएगा, ऑल इंडियन आर मैन, ऐसे भी नहीं आएगा, ये दोनों नहीं बोल रहे, ये पता चल। अब क्या करें, ये वाला तो कैंसिल हो गया ना, और ये वाला भी, अच्छा ये वाला कैंसिल हो रहा है साफ, ये दिखाई दे रहा। अब क्या है कि ऐसा करके देखते हैं कि कुछ इंडियंस आर मैन, यस है, कुछ इंडियंस, सम इंडियंस आर मैन, ये रहा सम, ये रहा मैन, तो ये रहा, ये भी है कि सम मैन आर इंडियन हो गया। तो क्या सारे टूरिस्ट मैन है, नहीं, फीमेल भी है। क्या सारे टूरिस्ट इंडियन है, नहीं, फॉरेन के भी है। इट मीन्स ये भी सम वाला ही बनेगा। तो सम वाला क्या ये ऐसे है कि कुछ टूरिस्ट मैन भी हैं और इंडियन भी हैं, टूरिस्ट मैन भी हैं और इंडियन भी है, यस, ये टच करेगा ऐसे टूरिस्ट। तो ये देख लीजिए करके, क्या कुछ इंडियन मैन और टूरिस्ट हैं, कुछ इंडियन मैन भी हैं, टूरिस्ट भी हैं। क्या कुछ मैन जो हैं वो इंडियन भी हैं, टूरिस्ट भी हैं, यस, कुछ मैन जो हैं इंडियन भी हैं, टूरिस्ट भी हैं। ये सारे सर्कल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, तो ये बेस्ट वाला जो बी पार्ट वाला बन रहा है, यहाँ पर हो गया इंडियन, यहाँ पर हो गया मैन, और ये हो गया टूरिस्ट। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कुछ मैन, सो कुछ इंडियन मैन है, ये वाला ही पोर्शन शो कर रहा है, और ये है कि कुछ इंडियन टूरिस्ट हैं, कुछ इंडियन टूरिस्ट हैं, ये वाला शो हो रहा है, और कुछ इंडियन, सॉरी, कुछ मैन टूरिस्ट हैं, कुछ मैन टूरिस्ट हैं, ये वाला शो हो रहा है, और कुछ टूरिस्ट मैन एंड इंडियन है ना, वो सेंटर वाला शो हो रहा है, सारी रिप्रेजेंटेशन हो रही है। दैट इज वाई राइट आंसर इज बी, फोर पर्सन ए बी सी डी। जब ये आपको दिखाई देता है, ये वेरी इजी हो जाता है, ये आपको दिखाई देता है ना, इजी हो जाता है, इसमें यही ढूंढना है और वाला कौन सा है, मतलब बिना पढ़े भी, इसको पढ़े भी सॉल्व हो सकता है। जैसे ये देखिए, चलो आगे चल के बताता हूँ, पहले पढ़ लेते हैं, पढ़ना फिर भी जरूरी है। फोर पर्सन ए बी सी डी ई आर स्टैंडिंग इन ए लाइन फेसिंग नॉर्थ, एक दिशा को, नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, नॉर्थ को। फॉर वन मिनट दे आर आस्क्ड टू टेक जंप इंडिपेंडेंटली विद रैंडम मूवमेंट क्लॉकवाइज, ऐसे करके है ना, राइट, ये लिखा है राइट, राइट एंड एंटी क्लॉकवाइज, वाइल बीइंग एट द सेम वेरी प्लेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन विल बी फेसिंग द नॉर्थ अगेन आफ्टर वन मिनट ऑफ एक्सरसाइज। अगर ये नहीं पता चला, आप हिंदी में इसको पढ़ सकते हैं कि एक मिनट वो जंप करते रहे, उसके बाद सभी पहले नॉर्थ में थे, अब ये देखना है कि कौन सा सेम पोजीशन पर है, ठीक, सेम पोजीशन पर है, नॉर्थ को था, नॉर्थ में गया, तो उसके लिए बड़ा इजी है। यहाँ पर देखिए, देखना है अगर एक लेफ्ट है दूसरा राइट है, अगर एक, यहाँ पर लिखता हूँ, एक लेफ्ट है दूसरा राइट है, तो ये कट गया, आप वहीं के वहीं हो। अगर लेफ्ट लेफ्ट है, राइट राइट आ रहा है, तो भी दो से दो कट गए, आप वहीं के वहीं हो। अगर तीन आ रहे हैं, एल 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 एंड आर आर एंड आर,
तो तीन के तीन भी कट गए, आप वहीं के वहीं हो। हमें ये देखना है कि आप कट के वहीं पे नहीं रह सकते हैं। ये है लेफ्ट राइट कट गया, राइट लेफ्ट कट गया, लेफ्ट 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 ये नहीं कटा, यहाँ पर है, यहाँ ब्लॉक रख लिया, नहीं कटा। लेफ्ट राइट कट गया, राइट लेफ्ट कट गया, ये नहीं कटा। इट मीन दो लेफ्ट वो ज्यादा घूमा है, वो अपने स्पेस पर नहीं है। देन राइट लेफ्ट कट गया, राइट राइट नहीं कटा, इसे अंडरलाइन कर लिया। लेफ्ट राइट सॉरी लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट है, लेफ्ट लेफ्ट है, ये कट गया। लेफ्ट लेफ्ट है ये नहीं कटा, ये वाला नहीं कटा, ठीक है। ये राइट लेफ्ट है, ये कट गया, ठीक। लेफ्ट लेफ्ट है, राइट राइट है, ये कट गया, ये रहा। लेफ्ट लेफ्ट है, लेफ्ट लेफ्ट है, राइट राइट है, ठीक है। ये लेफ्ट का लेफ्ट से, राइट का राइट से कट गया, और ये अधिक है। इट मीन ये भी दो टर्न ज्यादा किए हैं, ये भी राइट टर्न ज्यादा किए हैं, सॉरी लेफ्ट टर्न ज्यादा किए हैं। जिसने ज्यादा किए हैं वो अपने स्पेस पर नहीं है। अब इसी की प्रोबेबिलिटी है, राइट लेफ्ट कट गया, राइट राइट एंड लेफ्ट लेफ्ट कट गया, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट कट गया। इट मीन डी पर्सन नॉर्थ में था, वो जंप मार के जब आया वो वही का वही है, बाकी अपनी डायरेक्शन चेंज कर चुके हैं। डी इज द राइट आंसर। गिवन टू स्टेटमेंट, सम टीचर्स आर साइंटिस्ट, वेन डायग्राम का हेल्प लेंगे। सम टी आर साइंटिस्ट, सम टी आर साइंटिस्ट, ये हो गया टी। ऑल द साइंटिस्ट आर डे ड्रीमर, ध्यान से देखना है, ऑल द साइंटिस्ट। अब जब ऑल का सर्कल लगाओगे तो ये तो लगना ही है। अब हमें ये नहीं पता कि टी वाले सारे कवर होंगे या आधे कवर होंगे, ऐसे पूरा भी कवर हो सकता है, क्योंकि ये दो सेकंड वाली को जब अप्लाई करते हैं ऑल साइंटिस्ट आर डे ड्रीमर, तो उसमें ये क्लियर नहीं हो रहा कि टी वाले कवर होने हैं या नहीं, तो इसलिए डॉट्स डाले हैं। डॉट्स मीन डाउटफुल, डॉट्स मीन 50-50। तो क्या उनके कंक्लूजन जो है, विच कंक्लूजन कुड बी ड्रॉन, सी वन कंक्लूजन वन, टीचर कुड बी डे ड्रीमिंग। अब ये रहा डे ड्रीमिंग का, ये डी का है, ठीक है, ये डॉट्स वाला है। तो टीचर कुड बी डे ड्रीमिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, नहीं ये हो सकता है, क्योंकि ये जो कम वाला है उसमें भी कुछ टीचर, ये वाले जो टीचर हैं वो तो डे ड्रीमर है ही ना, ये वाले, ये एक ब्लैक से कर रहा हूं, ये वाले तो डे ड्रीमर है ही ना, ये वाले बचते हैं नहीं, लेकिन सम तो है ना। तो ये हो गया फर्स्ट वाला जो है कंक्लूजन, टीचर कुड बी डे ड्रीमर्स, ये निकल सकता है। नो साइंटिस्ट कुड बी टीचर, नो साइंटिस्ट कुड बी टीचर, ये पार्ट तो शेयर हो रहा है। तीसरा कलर ले लो ग्रीन वाला, ये पार्ट तो शेयर हो रहा है ना, ग्रीन ग्रीन वाला शेयर मीन कुछ टीचर साइंटिस्ट हैं और कुछ साइंटिस्ट टीचर हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, नो साइंटिस्ट कुड बी टीचर, नो वाली ऐसे बननी थी, साइंटिस्ट ये टीचर और ये साइंटिस्ट, तो ये मिल रहे हैं, तो ये पक्की बात है सेकेंड वाला गलत है, फर्स्ट वाला निकल रहा है। ओनली सी वन कंक्लूजन इज फॉलोस, दिस इज राइट, A is the right answer. Okay, given two statements. Some elephants are cats. Some elephants are cats. ये रहा और ये रहे कुरहा, ये elephant और ये cat. Some cats are dog. अब some cats are dog यहां भी बन सकता है, some cats are dog, ये D हो गया, लेकिन ये some ऐसे भी बन सकता है कि elephant शामिल है, ठीक है, पहले वाले में एलिफेंट शामिल नहीं है, इसमें एलिफेंट शामिल है। तीसरा ऐसे भी बन सकता है कि ये दोनों ही शामिल है और डी यहां पर है। इट मींस डी 50-50 या 30-33% है, डाउटफुल है, ये हरे वाले दो क्लियर है। देखते हैं कंक्लूजन, विच कंक्लूजन कुड बी ड्रॉन, सम एलिफेंट्स आर डॉग, सम एलिफेंट्स आर डॉग नहीं, सर्टन नहीं है, ठीक। सम डॉग्स आर एलिफेंट, सम डॉग्स आर एलिफेंट। अच्छा ये वाला जो है, मैं ब्लैक से करने लगा हूं, ये वाला जब है, सॉरी यहां पर टच नहीं होना, बाहर टच रहेगा, ये वाला जब है तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो कंक्लूजन है ड्रॉन पक्का नहीं है, ठीक है। ओनली सी वन इज, सम एलिफेंट्स आर डॉग, दूसरा है सम डॉग्स आर एलिफेंट, दोनों ही 50-50 डाउटफुल है ब्लैक में।
अगर हम ये वाला जो है सर्कल बड़ा कर दे, इसको तीसरा कलर ले लेता हूँ, अगर ये कलर है कि ये ब्लैक जो है बड़ा होके यहाँ पर कवर कर रहा है, ठीक, बड़ा कवर कर रहा है, तो हो सकता है सम एलिमेंट आर डॉग, सम एलिमेंट आर डॉग ये निकल रही है। अगर इसके आगे हम चलते हैं, एलिमेंट वाली तक को टच करते हैं तो ये निकल सकती है। अगर सम डॉग्स आर एलिमेंट, सम डॉग्स आर एलिमेंट, फिर भी ये निकल सकती है। अब यहाँ कोई ऐसी ऑप्शन है कि दोनों भी निकल सकती, दोनों नहीं भी निकल सकती, आइदर बोथ नाइदर फॉलो। डी आप मैक्सिमम राइट आंसर इसमें डी को टिक कर सकते हैं, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है गिवन थ्री स्टेटमेंट, ऑल लॉयंस आर कीवीज, ये रहा ऑल लॉयंस, ये एल आर कीवीज, ये सर्कल हो गया कीवीज का, इसको कलर बदल देते हैं एल को और इसको ब्लैक को, आपको पता लग चलेगा। ऑल कीवीज आर बर्ड्स, ऑल कीवीज आर बर्ड्स, ये रहा ऑल कीवीज आर बर्ड्स, ये रहे बर्ड्स, इसको बर्ड्स। ओके, सम वॉल्व्स आर बर्ड, अब सम वॉल्व्स है यहां पर होगा, ये वाला तीसरा कलर ले लेते हैं, सम वॉल्व्स आर वॉल्व यहां पर है, बर्ड तो है ही है, यहां तक तो आएगा बिल्कुल ठीक आएगा, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि सम जो वॉल्फ हैं वो वर्ड हैं, वो इसको टच कर रही हैं या इसको भी टच कर रही हैं। देखा तीन ऑप्शन बन गई, ऑप्शन वन ये टच नहीं कर रही, यहां तक रह रही है ये यहां तक, और ऑप्शन टू यहां तक जा रही है, टू वाली के कीवीज वर्ड है, तीसरा लॉयंस भी वर्ड है, ये ऑप्शन बन रही है। ये 33% डाउटफुल है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच कंक्लूजन कुड बी ड्रॉन, सम बर्ड्स आर लॉयन, सम बर्ड्स आर लॉयन, देखिए ध्यान से देखिए, जब आप कह रहे हैं ऑल लॉयंस आर बर्ड तो उसको में ये ठीक है, सम बर्ड्स आर लॉयन ये ठीक, हाँ ये गलत है कि ऑल बर्ड्स आर लॉयन, ये गलत होगा। उन्होंने क्या कहा है, सम सम ये पोर्शन, सम बर्ड्स आर लॉयन, सम बर्ड्स आर लॉयन, ये बिल्कुल ठीक है पहले वाला, ठीक है, यहां मैंने लिख लिया कि पहले वाला कंक्लूजन ठीक है। सम वॉल्फ आर बर्ड, सम वॉल्फ आर बर्ड, ये छोटे कम से कम वाला भी देखा तो सम वॉल्फ आर बर्ड है, यहां पर ये पोर्शन मैं फिर रेड करने लगा हूं, जो वॉल्फ वर्ड बर्ड है ये रहा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक और दो ये सही है। कीवीज आर आइदर लॉयन और वॉल्फ, कीवीज आर आइदर लॉयन और वॉल्फ, देखिए कीवी के बारे में सर्टन नहीं है कि यहां सर्कल आएगा या यहां सर्कल आएगा, अब ड्रा कर दिया मैंने, ये डेंजर वाले हैं, ये डाउटफुल है, दैट इज वाई ये श्योर नहीं है कि कीवीज आर आइदर लॉयंस और वॉल्फ, क्योंकि वॉल्फ कीवीज आर लॉयन तो है, सम कीवीज आर लॉयंस है, वॉल्फ है नहीं है ये नहीं है पता, ठीक। तो ऑप्शन क्या, तीनों दी हुई है तीनों नहीं दी हुई, तो आपको दो दूंगी, दो फर्स्ट और सेकंड ही दिखाई दे रही है, ओनली वन एंड सेकंड, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है डायरेक्शन 83, 4, 5, तीन क्वेश्चन है। द फॉलोइंग डायग्राम गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स एडमिटेड इन द कॉलेज ओवर द ईयर, ये रहे मेल एंड फीमेल, ये दो ये रहे ईयर और ये रहे फीमेल, फीमेल कहां से है, यहां नहीं लिखा हुआ मेल और फीमेल, ये ऐसे ही डाटा मिल रहा है, इस तरफ भी स्कोर या कुछ वो दिया नहीं है, गिवन द इंफॉर्मेशन है बस, ये स्कोर है क्या है ये नहीं पता अभी, क्वेश्चन क्या है वो ढूंढने पड़ेंगे, उससे शायद ये इन्फॉर्मेशन निकले। इन विच ईयर द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट वाज ट्वाइस द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट एंड और वाइस वर्सा, हिंदी में पढ़ लें, किस वर्ष में स्त्री विद्यार्थियों की संख्या पुरुष विद्यार्थियों से दुगनी थी या उल्टी थी। अब एक को अगर मानते हैं हम स्त्री और दूसरे को पुरुष, ठीक है, तो दुगनी कहां थी, क्या ये दुगनी है या इससे, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन आपकी जज हो रही है, क्या ये इससे एग्जैक्ट दुगनी है, आप अपनी पेंसिल को रख के भी देख सकते हो यार ये एग्जैक्ट दुगनी नहीं बन रही, इसको बड़ा करो थोड़ा सा, तो तीसरी क्या बनती है कि ये एग्जैक्ट, या ऐसे मैंने किया ऐसे करके, आप जजमेंट खुद देखो, ये लगभग बन रही है, अभी नाइन वाला डाउटफुल है कि ये इससे दुगनी बन रही है, ये वाली दुगनी नहीं बन रही, ये वाली दुगनी नहीं बन रही, ये बराबर है, ये दिखाई दे रहा है नहीं, ये भी नहीं,
हाँ ये हो सकती है ये वाली। हाँ मेरे ख्याल में एक तो 2009 वाली है और दूसरी दिखाई दे रही है इनमें से एक ये वाली 2015 वाली दिखाई दे रही है। 2009 और 15 का कोई ऑप्शन है? 2009 और 15 सी, और यहाँ सी राइट आंसर। नेक्स्ट है डाटा इंटरप्रिटेशन में से ही, इन विच ईयर फीमेल स्टूडेंट रजिस्टर्ड मैक्सिमम परसेंट इंक्रीज इन द एडमिशन विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर। अब ये फीमेल का उठाना है, अब हमें वैसे पता नहीं है कि फीमेल इसमें से कौन है, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू बी एडमिटेड इन द कॉलेज इज फिक्स्ड ओवर द ईयर, ठीक है टोटल नंबर फिक्स कर दिए गए हैं जितने भी वो एडमिशन हुई है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट एवर एनरोल्ड इज 150। तो शुरू में उनकी सबसे क्या है, स्त्री विद्यार्थियों की हमेशा दाखिला 150 है, तक कॉलेज विच सीटों की कुल गिनती, अगर वो 150 हो रही हैं तो टोटल गिनती क्या होगी, क्योंकि 150 है, रीजनिंग यहाँ पर लगानी पड़ेगी, ध्यान से देख, इन्फॉर्मेशन दी नहीं हुई सभी छोड़ देंगे, 150 फीमेल है, टोटल ज्यादा आ रही है, ठीक है ऑप्शन, अगर आप 150 को दुगुना भी करो तो 300 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 300 भी नहीं है, 400 है मिनिमम। इट मींस जो ग्राफ है उसमें जो शुरू में लोअर पार्ट है वो स्त्रियां हैं। क्या बात है, तो इसमें जा रहे हैं कि ये 150 ये मान के चले हम कि ये जो स्त्रियां हैं गर्ल्स स्टूडेंट हैं, ये इन्फॉर्मेशन मिल गई ये 150 है। अगर ये 150 है तो ये लगभग ये पेन मैंने रखा, ये दूसरा रखा और ये तीसरा, ये देखिए ध्यान से, ये लगभग 3 गुना है, तो 150 ये पुरुष हो गए 150, अब ये वाले भी उतना हिस्सा दिखाई दे रहा है 150, अब ये वाला भी उतना ही दिखाई दे रहा है 150, ठीक है ये पहले से मैंने देखा कि लगभग उतना है। वो दूसरा कैसे पता चलेगा, लगभग क्यों कह रहा हूँ कि इससे बिल्कुल नजदीक वाली फिगर नहीं दी गई कि 136 है, 436 है, 582 है, ऐसे कुछ भी नहीं है, तो ये 150 स्त्रियां हो गई, ये मेल पर्सन हो गए, इनको सम कर दो वो कितना बना, ये 300 300 600 बना, इट मीन्स 600 अगर है तो वो राइट आंसर होगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर 600 है तो 150 स्त्रियां होगी, राइट आंसर सी है। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में है क्योंकि देखिए इन्फॉर्मेशन ये दी नहीं गई कि कौन स्त्रियां हैं कौन पुरुष है, अगर हमें ये पता चल गया कि स्त्रियां कौन है इनमें से, तो हम इस सेकंड ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन विच ईयर द फीमेल स्टूडेंट रजिस्टर्ड मैक्सिमम एज पर इंक्रीज इन द एडमिशन विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर, पिछले साल किस साल से स्त्रियों की दुगुनी हो गई है, मैक्सिमम हो गई है, अंडरलाइन कर लो मैक्सिमम हो गई है, तो ये भी ऑब्जर्वेशन से निकलेगा। हमारे पास अगर ये स्त्रियां हैं जो लाइट हैं, क्या ये स्त्रियां हैं, तो ये देखना है एक ज्यादा ग्राफ किससे मिल रहा है, इसको इसी से लास्ट वाले कॉर्नर से मिला के देख, स्लोप कितने बन रही है, ये भी बन रही है वैसे ही बन रही है, ये भी बन रही है थोड़ी सी, हाँ वैसे ही बन रही है, अच्छा ये भी बन रही है, मेरे ख्याल सीधी चल रही है उतने परसेंटेज, अब इसको यहाँ पर मिला के देखें थोड़ा सा ऊपर ही जाएगा ये, तो ये देखना होगा लास्ट वाले कॉलम से, लास्ट वाले को मिला रहा हूँ, अगर पहले वाला है तो पहले वाले से मिलाना है, ये रहा ये मिला दिया, ये रहा ये मिला दिया, ऐसे मिला के ड्रा करके देखो कि जो लाइन है अपवर्ड कहाँ जा रही है, साफ दिखाई दे रहा है अपवर्ड यहाँ जा रही है ज्यादा, इनसे कंपेयर करो और इनसे कंपेयर करो, ठीक है 2012 हमारा राइट आंसर बन रहा है, 2012 है तो उसको राइट आंसर देंगे 2012 सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन है यहाँ पर। फाइव कजन्स आर गोइंग टू ए पार्टी, ऑर्गेनाइजर्स वांट दैट इन ग्रुप वाइज एंट्री यंगेस्ट, अंडरलाइन कर लेना चाहिए क्योंकि ये ऑर्डर है, रीजनिंग है, इस पर बेस्ड होगी, शुड फर्स्ट एंटर टू वेन्यू, ये बात अंडरलाइन कर लेनी चाहिए, फॉलोड बाय नेक्स्ट यंगर वन एंड सो ऑन। ईशान से एक पर्सन है जो पार्टी में गया है, आई एम टू ईयर यंगर टू चंदन, तो ये रहा ईशान, मिड में हमने लिख लिया है, तो ईशान क्या कह रहा है कि आई एम यंगर, मैं छोटा हूँ किससे, चंदर से, यहाँ पर हमने लिख लिया चंदर सी एच, ठीक डिफरेंस लिख लिया, दो साल का है, दो साल का गैप मैंने ऐसे शो कर दिया है, ऐसे एक साल दो साल। नेक्स्ट है
फतेह से आई एम 1 ईयर ओल्डर देन अरविंद। अब ध्यान से देखिए कि जब पेपर सेटर है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए, रोकने के लिए मेंटल प्रोसेस को ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है कि फतेह और अरविंद, यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं आई फतेह और अरविंद की, ठीक। आप ऐसी लाइन को छोड़ दोगे और अंडरलाइन कर लोगे, यहाँ पर अंडरलाइन का मतलब है बाद में इसको भी देखना है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, व्हाइल चंदर सेज आई एम 3 ईयर ओल्डर टू फतेह, यहाँ पर चंदर कह रहा है मैं फतेह से 3 साल बड़ा हूं, इट मीन्स फतेह यहां पर आ गया, फतेह ये हो गई। अब फतेह की इंफॉर्मेशन आ गई है, आप बैक जाके फतेह सेज आई एम 1 ईयर ओल्डर देन अरविंद, फतेह सेज मैं बड़ा हूं किससे, अरविंद से 1 साल, ये 1 साल ये हो गया अरविंद। अब किसकी इंफॉर्मेशन रह गई है, गरिश से आई एम यंगर टू ईशान, गरिश नहीं है, यंगर टू ईशान, इससे छोटा हूं मैं और बट फतेह से बड़ा हूं, ओल्डर देन फतेह, फतेह से बड़ा और इससे छोटा, इसका मतलब है यहां पर ब्लू लाइन है, यहां पर गरिश आ रहा है, इट मींस इनका जो डिफरेंस है 1 साल का है, ठीक है, ये 2 साल का हो गया, 3 साल का, 4 साल का, अरविंद से सबसे बड़े हो गए चंदर, उससे छोटे हो गए ईशान, उससे छोटे हो गए गरिश, उससे छोटे हो गए फतेह और उससे छोटे हो गए अरविंद, और ये सभी का 1-1 साल का गैप है, बस गिरीश का साल के बीच का कोई गैप है, 6-7 महीने, 3-4-5 महीने ऐसे का गैप है। अब क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, फर्स्ट तो वही है कि सबसे पहले कौन एंटर करेगा, हु विल एंटर फर्स्ट, ये अरविंद रहा, सबसे पहले ये एंटर करेंगे, ए राइट आंसर हो गया। हु विल बी द लास्ट टू एंटर, चंदर, यहां पर चंदर है, ए अगेन राइट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक, अब देखना है, गरिश इज 3 ईयर ओल्डर देन अरविंद, ये अरविंद है, गरिश 1, 2, 3, यहां गरिश आना चाहिए, गरिश यहां आ रहा है, ये गलत हो गया स्टेटमेंट। फतेह इज 2 ईयर यंगर देन ईशान, फतेह इज 2 ईयर यंगर देन ईशान, ये 1 साल छोटा है ईशान से, 2 साल नहीं है, यहां पर 2 साल लिखा है, ठीक। फतेह इज 3 ईयर यंगर टू गरिश, फतेह इज 3 ईयर यंगर, नहीं ये तो 6 महीने छोटा है, 7-8 महीने छोटा है, साल का फर्क नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत है। ईशान इज 2 ईयर ओल्डर देन अरविंद, ईशान इज, ये रहा ईशान, ये रहा अरविंद, ये रहा 1 साल और ये 2 साल, 2 साल का फर्क है, दिस इज द राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। फॉर सेंडिंग ए टीम टू अ कॉम्पिटिशन टू चूज वन फ्रॉम अमंगेस्ट 4 स्टूडेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डाटा ऑन देयर स्कोर्स इन द लास्ट 6 टेस्ट वाज पुट टू यूज, 6 उनके टेस्ट पिछले हैं, ये स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 2 है, स्टूडेंट 3 है, स्टूडेंट 4 है, तो यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, क्योंकि मुझे मेरे पास एक ही शीट है, मैं 4 को यूज करूंगा, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, आप इसके ऊपर ही कर सकते हो। चाहिए क्या इन्फॉर्मेशन, ये देखनी है, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इन टर्म ऑफ वेरिएशन ढूंढनी है, इन द स्कोर विच स्टूडेंट वाज फाउंड टू बी मोस्ट कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब है सबसे कम वेरिएशन वाला कौन है, इनकंसिस्टेंट, द मोस्ट कंसिस्टेंट, इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा वेरिएशन किस, दो चीजें हमें ढूंढनी है, और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एस 4 इज हैविंग लोअर एवरेज स्कोर देन अदर बट इज मोर कंसिस्टेंट, अब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की चाहिए और एवरेज स्कोर निकालना है, एवरेज क्या है, मीन स्कोर है, वो कैसे निकालते हैं वो यहाँ जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, तो हमने ये बोर्ड ले लिया है यहाँ पर। अब हमें पहले देखना है कि कंसिस्टेंट कौन, कंसिस्टेंट लेने के लिए ये देखना है कि वेरिएशन सबसे कम किसकी है, ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी है, वो निकालने के लिए मैं ये देख रहा हूँ कि एक्सट्रीम वैल्यू को चूज कर रहा हूँ कि सबसे एक्सट्रीम वैल्यू कौन है, वो सबसे छोटी कौन सी है, ये हो गया 46, इसमें 46 सबसे छोटी है, सबसे बड़ी कौन सी है, ये 50 है, और इनका डिफरेंस जो होगा उसको रेंज बोलते हैं, वो आपको वेरिएशन इजीली बता देती है, 54 में से 46 को माइनस किया ये लगभग आपके पास पास, लगभग बोल रहा हूँ एग्जैक्ट, अगर कैलकुलेशन गलत भी होती है क्योंकि वेरिएशन है, क्योंकि ज्यादा दिखाई दे रही है, मैंने ऑब्जर्वेशन से देख लिया, अगर सारे ही करीब करीब होते तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करनी पड़नी। अब इसमें सबसे कम क्या है, 28, सबसे ज्यादा क्या है,
72, अब इसका डिफरेंस जो है बिग दिखाई दे रहा है, आप डिफरेंस कैलकुलेट भी कर सकते हो। इसमें क्या है 36 है सबसे कम और 63 है सबसे ज्यादा। अब इसको अगर माइनस करके देखते हैं इसकी वेरिएशन ज्यादा है अभी तक, इसकी इससे कम है, ठीक है, इसकी वेरिएशन सबसे कम है। और इसकी देखते हैं 24 आ गया जी, ये 24 और 76 ये सबसे ज्यादा वेरिएशन है, दिखाई दे रही है ना डिफरेंस जितना ज्यादा है। इट मीन सबसे ज्यादा इनकॉन्सिस्टेंट ये हुआ 24 और 76 का डिफरेंस क्योंकि ज्यादा है, सबसे कम डिफरेंस इनका है 46 और 24 का। इट मीन्स हमें एक मिल गया जो आंसर है, यहां हम नोट कर लें कि मोस्ट कॉन्सिस्टेंट ये है स्टूडेंट और मोस्ट इनकॉन्सिस्टेंट यही इन्फॉर्मेशन बीच में मांगी गई है। अगर और कोई इन्फॉर्मेशन मांगी गई है तो हमें पता है कि सेकंड पर ये आ रहा है वेरिएशन में ज्यादा में और थर्ड पर वेरिएशन कम में ये आ रहा है। इसके बाद आप देखिए कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सबसे पहले है इन टर्म्स ऑफ वेरिएशन इन स्कोर विच स्टूडेंट वाज फाउंड टू बी मोस्ट कंसिस्टेंट एंड मोस्ट इनकंसिस्टेंट, कौन सा है। यहाँ पर हमारे पास है मोस्ट कंसिस्टेंट S4 एंड S1 मोस्ट इनकंसिस्टेंट, S4 एंड S1 की यहाँ पर है S4 एंड S1। ये देखिए इन्होंने S1 एंड S4 भी दिया हुआ है लेकिन हमने पहले देखना है कि मोस्ट कंसिस्टेंट S4, इट मीन सबसे पहले जहां सबसे पहले S4 आना चाहिए, ये भी रॉन्ग है रिस्पॉन्स रॉन्ग है, यहाँ पर S4 है, S4 है इसमें से ठीक है। अब मोस्ट इनकॉन्सिस्टेंस, ये मोस्ट इनकॉन्सिस्टेंट दूसरा देखना है, दूसरा S1 है, ये S1 है, इट मीन D इज राइट आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, S4 इज हैविंग लोअर एवरेज स्कोर देन अदर बट मोर कंसिस्टेंट। अब हमें एवरेज स्कोर निकालना पड़ेगा, एवरेज स्कोर निकालने के लिए इन सबको जमा कर देना है, ओवर सिक्स कर देना। यहाँ पर ओवर सिक्स करने की जरूरत नहीं है, कारण ये है क्योंकि सभी का जो है एन जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट है सिक्स है, नंबर ऑफ टेस्ट है सिक्स है, दैट इज वाई। अगर किसी का सिक्स होता, किसी का सेवन, किसी का टेन, तो आपको एवरेज कैलकुलेट करनी पड़ी थी। अब हम इसकी वो करेंगे कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, ये प्रॉब्लम है, कैलकुलेटर आपके पास नहीं है, तो आपको जो भी आपका नुकता इसको सम करने के लिए इजी लगता है वो आप अप्लाई कीजिए। मुझे ये सम सॉल्व करते हुए साफ दिखाई दिया था वेरी इजी एक मेथड कि ये देखिए ये इनको और इनको मिला दीजिए। अब मैंने 50 को बेस ले लिया, 50 से 8 ऊपर है, 50 से 8 नीचे है, ये मेरे पास 100 बन गया देखिए, और ये 76 है और 24 है, इनको मिला दीजिए, ये भी मिला के बन गया आपका 100। ये 25 का ले लिया तो 75 होते हैं, एक आगे अधिक है एक कम है, 100 बन गया। ये भी 50 का लेके मैंने देखा, 50 को 5 ऊपर है, 50 के 5 नीचे है, इनको प्लस किया ये 100 बन गया, तो ये 300 हमारा टोटल हो गया। अब इस पर वही नुकता अप्लाई करके देखेंगे, अदरवाइज ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। ये 36 है, ये रहा हमारा 56 और 47, ये देखो दोनों को 50 में से 7 ज्यादा है, 50 से 7 कम है, ये 100 बढ़ गया, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका एग्जैक्ट नहीं बन रहा तो ये नजदीक नजदीक बन रहा है, ये 50 और 50 हो गया, ये भी 100 हो गया, 100 एक ज्यादा है, ठीक है। तो ये देखिए वो एक ज्यादा इसमें मैंने रख दिया, 64 कर दिया, और 64 करके ये भी देख लीजिए 100 बन गया, ठीक। अब ये देखते हैं कि बनता है कि नहीं, 72 और ये देखिए 72 और 28 को मिला दीजिए, 100 बन जाएगा, ठीक। अब बाकी के बचे 61 बचता है, 43 ये नहीं बन रहा, इसको वैसे प्लस करके देखो कि ये आपने 51 और 61 को प्लस कर दिया, मैंने ऐसे किया 51 और 61 को प्लस किया और ये बन गए 112, ठीक। तो ये कर दिए, इससे इसको प्लस कर लिया, आप अपने ढंग से भी कर सकते हो, ये हो गया 4 और 4 8 8 5 और 3 8 ये 88 हो गया। अब 88 को इसमें मैंने मिलाया 200 हो गया, फिर देखिए ये 100 ये 200 ये भी 300 हो गया,
ठीक है, ये भी 300 है, ये मोस्ट ये डिफिकल्ट इसको बोला जा सकता है क्योंकि उनका टोटल स्कोर सेम रखा है और 6 है, इट मीन मीन स्कोर सबका सेम आ रहा है, हायर और लोअर दिखाई नहीं दिया। अगर इसका देखते हैं अगर मिलता है तो ये देखिए 54 किसके साथ मिलता है, 50 से 6 ज्यादा है, नहीं 4 कम, 50 से 4 कम इसका है, इसको इससे मिलाओ 100 बन गया, ठीक है। अब 49 को 51 से किया 100 बन गया, अब 48 को 52 से किया 100 बन गया, ये थे तीनों का 300 आ गया, तीनों का 300 के ओवर अगर आप 6 लाते हैं तो मीन्स को 150 सभी का, सॉरी ये जो है 50-50 बन रहा है सभी का, सॉरी 50-50-50 एवरेज स्कोर ये आ गया। अब ये कुछ कुछ बात ही नहीं रही कि एवरेज स्कोर इतना है और हमारे पास बाकी की कैलकुलेशन है कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट कौन सा है, उससे आंसर आपका मिल जाएगा। फर्स्ट है ये रहा एस फोर हैविंग लोअर एवरेज स्कोर देन अदर बट मोर कॉन्सिस्टेंट, लोअर और हायर तो कोई भी नहीं है, सब इक्वल है, दैट इज वेरी रॉन्ग, है ना। हाँ वैसे मोर कॉन्सिस्टेंट एस फोर है, एस वन इज हैविंग हायर एवरेज स्कोर देन अदर बट इज मोर इनकॉन्सिस्टेंट, 300 आ रहा है ये बात नहीं बन गई, हायर और नहीं है इक्वल है, ये भी नहीं है। S4 is having higher average score than other and is most consistent, ये भी नहीं बन रही, naturally है none of these above three statement is true, ये sorry right answer आपका हो गया D, D is right answer।